हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। नाउ वी आर स्टार्ट आवर सिलेबस। टुडे वी आर डूइंग एक्सेस चैप्टर 12th, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन फॉर्मूला में हम क्या है, अब हेरॉन फॉर्मूला जो यूज़ होता है बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता है, फॉर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय हेरॉन फॉर्मूले से। अब हेरॉन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पैरामीटर। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। पैरामीटर हमें किसी भी शेप का फाइंड करना हो, इट मीन्स उसी की सभी साइड्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। यहाँ पर एस सेमी पैरामीटर होता है। एस का मतलब, सेमी पैरामीटर का मतलब जो पैरामीटर है उसको टू से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसकी साइड्स ए बी एंड सी है, स्मॉल ए बी सी लेटर्स में। अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे, देन ए ए ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पैरामीटर के लिए उसको टू से डिवाइड। बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके लिए यूज़ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। इसे हम एरिया कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या गिवन हो, ट्राइंगल में हाइट गिवन हो। बट इन केस अगर हमारे पास ट्राइंगल्स में ट्राइंगल में हाइट गिवन नहीं है, तो हम उसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल सा अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहिड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है, स्कूल अहिड का बोर्ड है उस वहाँ पर, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि शेप में है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। साइड क्या है, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हमें सिग्नल बोर्ड का जो एरिया फाइंड करना है वो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करके करना है। नेक्स्ट इसी पूछा गया है, इफ़ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इसका पैरामीटर क्या हो, 180 सेंटीमीटर हो, तब इसका एरिया, सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे साइड क्या लेकर, ए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कूल, ये सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, ये इस पे साइड है ए ए और ए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लेंगे हम, साइड ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए। हम क्या लेंगे सबसे पहले, एस। एस क्या होता है हमारे पास, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय टू, ये आ गया ए प्लस ए, थ्री ए बाय टू आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है इसमें एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसमें ए बी सी जो है ट्राइंगल्स की साइड्स है वो हम पुट करेंगे, ट्राइंगल्स की साइड हमारे पास क्या है, तीनों ही सेम है, ए ए और ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करेंगे हम यहाँ पर, ये किस में है, रूट में है हमारे पास टर्म। एस क्या है, थ्री ए बाय टू। नेक्स्ट है एस माइनस ए, थ्री ए बाय टू माइनस ए,
एस माइनस बी 3a/2 माइनस ए, एस माइनस सी 3a/2 माइनस ए, ऑल साइड्स आर इक्वल है इसलिए हमने सभी में सेम लिया है। इसको माइनस करेंगे 3a/2, 3a माइनस ए, देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3a/2 माइनस ए है बाय एलसीएम, 2 एलसीएम लेंगे हम इसका, 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा a/2, यहाँ से आ गया a/2 एंड a/2, सभी मल्टीप्लाई में है, a/2 फोर टाइम्स है, रूट से बाहर आकर डबल टाइम हो जाएगा एंड रूट 3 सिंगल है, ये रूट 3, तो ये हमारे पास आ गया रूट 3 ए स्केयर बाय 4, इसका एरिया क्या आ गया रूट 3 ए स्केयर बाय 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने निकाला है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो क्या होता है हमारे पास रूट 3/4 इंटू ए स्केयर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका पैरामीटर गिवन है, सेकंड में क्या गिवन है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या गिवन है 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर ट्राइंगल क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, देन ए प्लस ए इज इक्वल टू में 180, 3a इज इक्वल टू में 180, ए इज इक्वल टू में 180/3, ए हमारे पास क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, ए क्या है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ए आ गया हमारे पास, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन था, साइड्स आ गया हमारे पास, सभी साइड्स इक्वल है 60, 60 एंड 60। अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे एस, एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर अपॉन में 290, कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे फाइंड एरिया, एरिया किसे बाय हिरोन्स फॉर्मूला से, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एस क्या है हमारे पास 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसको सोल्व करेंगे 90 को क्या लिख सकते हैं 3 × 30, 30, 30 और 30। अब देखो 30 के पेयर है हमारे पास, तो पेयर बाहर आ जाएंगे इससे वन टाइम, 30 × 30 रूट में क्या रह जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 3×3 = 9, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एरिया आ गया बाय हेरोंस फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। ये कब है जब हमारे पास क्या है इसका पैरामीटर क्या गिवन हो 180 सेंटीमीटर गिवन हो, एरिया हमारे पास आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके थैंक यू।